होया
आई कोई जिंदा याद करे थे हुंदे आप सहाई कोई जिंदा याद करे थे हुंदे आप सहाई पिता तोर के तेग दी धार परखी पिछों तेग चों पैदा बलवान कीते और सिर कट के मौत दा डर कढ़िया मौत वारन लई युद्ध घमसान कीते बेतसां दा यार तलवार दुष्टां टुट जिगर दे जिन्हां ने बलिदान कीते ओ चौधरपुरिया करो ना कोई इहो जिहे कारनामे जिहड़े जग ते सोढ़ी सुल्तान कीते ओ जिहड़े जग ते सोढ़ी सुल्तान कीते गुरुआं दे गुरुआं दी याद नूं ताजा करन वास्ते शहीदां दी याद नूं ताजा करन वास्ते
पिंड भूसा विखे सज्जे ने दीवान ते चौधरपुरी ढाडी सिंघां नूं वारां लई बुलाया। बैठे ने पंडाल विच सोभा सारे पावंदे ने हर एक उत्ते चढ़ी नाम वाली छाया है। गुरु गुरु जपदे आ समा जिहड़ा लंघ जावे उही वेला भागां वाला गुरां फरमाया है। कीता प्रबंध सोहना गुरु दे प्यारिआं ने तिल फुल योगदान सारिआं ने पाया है। संगतां दी सेवा लई तन मन ला दिता छत्ती प्रकारां वाला वेखो बाहर लंगर लगाया है। उस सेवा नाल मेवा लगे करके कोई वेख लवे लंघिया वेला कदे हथ भी नहीं आया। चंगे भागां नाल है जी सेवा है नसीब होंदी। बाणी विच गुरां सानू इंज फरमाया है ओ बंदे कर बंदगी ते बंदा बन रब दा तू जेडे कम वास्ते है उसने कलाया है। सतनाम जपना ते वंड के है छकना गुरु दे प्यारियां दे हिस्से विच आया है। पढ़ के ते सुन के विचार के है पता लगू गुरु दे प्यारियां ने किवें रब पाया है। ओ वखरा है दुनिया चो सिख इतिहास साडा नाल कुर्बानियां दे सिंझ के बनाया है। साधु ते संतां ते भगतां प्यारियां ने सूरमियां ते दानियां ने योगदान पाया है। ओ ढाडियां ने दसना है सुनियो प्यार नाल वीर रस गाउणा साडे हिस्से विच आया है। आ जमे हुए रगां विचों खून पगला दईए उच्चियां सुरां च गाउणा गुरां हुकम सुनाया है। हुकम नूं मनणा ते मन के आनंद लैणा आप सब संगतां दे हिस्से विच आया है। आओ सारे रल मिल गज के बुलाईए फतेह। भागां वाला समां साडे करमां च आया है। बैठे हो सज के बोलो गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद आ भाई साहब जी सुखचैन सिंह जी होणा दा जिन्हां ने पिछले साल भी आप रब वर्गियां संगतां दे दर्शन कराए सन ते पिछले साल ही हुक्म कर दिता सी ऐरकां दे साल आप रब वर्गियां संगतां दे दर्शन करन वास्ते। बहुत बहुत धन्नवाद आ बाबा जी जसविंदर सिंह जी होणा दा जिन्हां दे उत्ते बड़ी अपार बख्शिश रहमत आ। इसे नगर दे नौजवान बाहर दे देश दे विच किरत करन वास्ते गए होए ने माया सफली करन वास्ते दसवंद कढ दे ते भाई जसविंदर जसविंदर सिंह तक पहुंचाउंदे ने ते भाई जसविंदर सिंह जी उन्हां दे घरां दे विच माया रस्तां बस्तां दे के आउंदे ने जिन्हां दे घर दे विच कोई कमाई दा साधन नहीं जिन्हां वल्लों दास नूं मजबून भी दिता गया है। जिस मजबून नूं दिता गया मैं उसे समें दे विच रह के आप रब वर्गियां संगतां दे दर्शन भी करने ने। बहुत बहुत धन्नवाद आ इसे नगर के सारे प्रबंधक जन वीरां दा मेरे वीर जी अवतार सिंह जी भी आए हुए ने जिन्हां वल्लों दास नूं हुक्म होया सी अपने नगर दे विच वी संगतां दे दर्शन करन वास्ते पर समां इजाजत नहीं सी दिंदा। उस दिन दास दा समागम सी पिंड गौरसियां विखे। भाई सुखचैन सिंह जी इसे गुरु इसे नगर के हैड ग्रंथी इत्थे बैठे हुए ने पिंड गौरसियां विखे हैड ग्रंथी की ड्यूटी करते हैं। उस दिन रात के समागम सन उन्होंने वालों भी हुक्म होया 21 मार्च में संगतां के दर्शन करने वास्ते। सो बहुत बहुत धन्नवाद आ मेरिया मातावां दा मेरिया भैणां दा मेरिया बच्चियां बैठिया हुई ने बड़े लंबे समय तो बैठिया हुई ने। सतगुरु जी की मैं चरणों के अरदास बेनती जोदरी करा इन्हों की चढ़ती कला वास्ते। सारी संगत हाथ जोड़ के कही है जी नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला। तन करके इत्थे बैठे रहिए ते मन करके बिरतियां लै चलिए श्री आनंदपुर साहब की पावन पवित्र धरती। तखत ते विराजमान धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी जिन्हां दे प्रथाए भाई गुरदास जी लिखदे ने गुरु गोबिंद होए प्रगटे हो दसवें अवतारा जिन अलख अकाल नरिंजना जप्यो करतारा निज पंथ चलायो खालसा तर तेज करारा सिर केस ताड़ गया खड़को सब दुष्ट पसारा सील जत की कश पैर पकड़ियो हथियारा सच फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण पहारा सब दया तरन को घेर कर कीजे प्रहारा जब सहजे प्रगट्यो जगत मैं गुरु जाप उपारा यों उपज्यो सिंह पचंगिए नील अंबर धारा तुरक दुष्ट सब सह किए हर नाम उचारा तिन आगे कोई ना ठहरियो भाग्य सिरदारा जह राजे सह अमड़िए सब होए सारा सुनकर ऐसी धमक को कंपे गिर पहरा तब सब धरती हल चल पई छाडे कर बारा तो ऐसे दंद कलेश में खपियो संसारा तै बिन सतगुरु को नहीं पै काटनहारा ऐसे खड़क दुखायन को सके ना चेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह
आपे गुर चेला सजे हुए दीवान दे विच गुरु दा खालसा बब्बर शेरां वाला बाणा सीस ते दमाले भगौतियां पहनियां होईयां ने तीन तीन फुट लंबियां सो सजे हुए दीवान दे विच दूर दूर तो आन के संगतां सतगुरां दे चरणां दे विच हाजरियां भर रहीआं ने इसे तरह हुशियारपुर दी धरती दा रहण वाला एक देवी दास पंडित सतगुरां दे चरणां दे विच पहुंचिया उन्हें आन के टेक के मथा सतगुरां दे चरणां दे विच अरदास कीती है एक बेनती करता एक जोदड़ी करता की कहिंदा बड़े प्यार दे नाल सरवण करो उन्हां लैणां नूं ढाडी सिंह इउं कह रहे हैं Thank you.
ਉਹਦਾ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ ਜੀਤ ਨੂੰ बैठे गुरु जी दशमेश प्यारे पई वरखा हुंदी नाम दी सी गुरु द्वारे संगत आवन चल के करन दर्शन दारे रूप इलाही गुरां दा तक हिरदा ठारे मैं दसन लगा संगत जी गुरां दे जो अजब नजारे उस दिन धौंसे चोटां वज्जियां सिंह हो गए कट्ठे फड़ के शस्त्र सूरमे मैदान नूं नठे एक दूजे नूं ढावदे पर कोई ना टठे वेला हो गया शकन दा पंगतां विच बह गए दुध मलाइयां शकन नूं सिंह लैके आ गए लंगर छक के सूरमे सी फिर टहलण बह गए उस दिन बारह बजे का गुरां दीवान सजाया कहिंदे सजे होए दीवान विच इक पंडित आया चरनी डिग्गा आण के ते उन्हें हाल सुनाया आखन लगा पातशाह मेरी सुनो कहानी अखां दे विच भर लिया उन्हें रो रो पानी आखन लगे पातशाह पंडित जी ओ तुसी जुग जुग वसो सजे होए दीवान विच हड बीती दसो फिर पंडित सी बोलिया हिम्मत जी करके दसन लगा वार्ता सी होके भर के कहिंदा पातशाह साडे इलाके विच वसदा इक जाबर खान हंकारी हर घर उत्ते रखदा ओ नीयत माड़ी इज्जतां लुट्टे सामने शरे आम बजारी मैं व्याह के तुरिया सवेर नूं जंज लैके सारी उन्हें रास्ता मेरा रोकिया हो अगल वारी मेरे कोलों लुट ली उन्हें दौलत सारी ते इज्जत मेरी नूं लै गया ओ बना के नारी जे पातशाह अज दी अज दा दिन लंघ गया अज दी रात लंघ गई इज्जत रुल जू सारी कहिंदे सुन के सारी वार्ता गुरा रख विखाई उन्हें तू मियानो चंडका बिजली चमकाई गरज के बोले पातशाह पुत्र अजीत तू आई उस पापी का सिर वड के राह नरकी पाई गल ए हुशियारपुर की धरती का रहन वाला जवार खान जिन्हें बाईयां पिंडां दे उत्ते कब्जा किया होया सी इस नगर दे विच किसे नौजवान की बरात चढ़ती ना सारी बरात लुट लैंदा धक्के नाल उस नौजवान का डोला लैके अपने महिला वल नूं तुर पैंदा यही कुछ देवी दास पंडित दे नाल होया जे कोई बाह खड़ी करके गल करदा ना ते उसका कतल कर दिंदा यही कुछ देवी दास पंडित दे नाल होया पिंड बड्डो के देवी दास विहण वास्ते गया रात मर्यादा अनुसार उहदा विआह होया दिन चढ़दे जदों डोला लैके तुड़िया ना ते जबार खान ने आके सारी जंज नूं घेरा पा लिया सारी जंज लुट ली गई है धक्के दे नाल जबार खान की धर्म पत्नी का डोला अपने महिला वल नूं लै तुरिया जबार खान ने जदों तुरिया ना देवी दास ने बड़े तरले बड़ियां बेनतियां कीतियां पर हंकारे होए पठान ने एक ना मनी आखिर कन्नां दे विच आवाज पई आ ओ देवी दासा अपनी इज्जत नूं बचाउणा चाहुंदा ते श्री आनंदपुर साहिब दी धरती ते चलिया जाए हवा दे नाल गल्लां करदा करदा देवी दास पंडित घोड़े दे उत्ते सवार होया मंजलों मंजली पैंडा तय करदा होया पहुंच गया श्री आनंदपुर साहिब दी पावन पवित्र धरती ते अगे सजिया होया दीवान सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी तख्त ते विराजमान जाके चरणा दे विच टेकिया मत्था ते हथ जोड़ के रिक्वेस्ट बेनती कीती
सुनते हैं सारी गुरदेव पातशाह जी के नेत्रां दे विच खून दे डोरे आ गए। सजे हुए दीवान दे विच बाबा अजीत सिंह जी बैठे हुए सन। नजरां च नजरां पा के बाबा अजीत सिंह नूं ठाल लिया। बाबा अजीत सिंह जी आ गया सतगुरां दे कोल, हाथ जोड़ के कहन लगा पातशाह की हुक्म है। गुरदेव पातशाह जी कहन लगे ओ जीत सिंह कदे साडे दरबार दे विच ओ कश्मीर की धरती तो कृपा राम आया सी, पुत्र अड़ू राम, पोतरा नारायण दास, प्रपोता ब्रह्मदास, गोद भारद्वाज, प्रगटाना मटन का रहने वाला 16 पंडतां समेत श्री आनंदपुर साहब की धरती से पहुंचा। पता क्यों पहुंचा? उन्हां दे धर्म नूं खतरा सी। उस वक्त हिंदुस्तान के बादशाह ने ऐलान कर दिता सी कि हिंदुस्तान दे विच इक्को ही धर्म होना चाहिए, वह है मुसलमान। हिंदू धर्म खत्म कर दिओ। पता क्यों खत्म कर लगा सी? औरंगजेब बादशाह रोजे रखिया करता सी, नमाज पढ़िया करता सी, कुरान पढ़िया करता सी। एक दिन उन्हें कुरान पढ़ी 96 अंग तो उन्हें एक पंक्ति पढ़ी वा तलमल हजमल उमरता लाला है फाइन आउसर। उन्हें संतुष्टि ना हुई कि अर्थ की बनते ने। उन्हें अपने पुत्र बहादुर शाह नूं कहा बहादुर शाह मैं पंक्तियां पढ़िया इन्हां दी मैनूं संतुष्टि नहीं हुई, कोई इहो जिहा विद्वान लभ जिहड़ा संतुष्टि करा दे। उस वक्त भाई नंद लाल जी विद्वान सन जिहड़े बहादुर शाह नूं पढ़ा रहे सन, कई भाषा के विद्वान सन भाई नंद लाल जी। उन्हां दे कोलों जाके जदों अर्थ कराए ना ते जाके बहादुर शाह ने अपने प्यो नूं औरंगजेब नूं सुनाए, मन नूं ठंड पै गई। पुछदा किन्ने अर्थ करके दसे ने? दसिया भाई नंद लाल जी ने, कहिंदे औरंगजेब दे पैरां थल्ले जमीन निकल गई। हिंदू इन्ना विद्वान। उस दिन उसने हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान के जिन्ने हिंदू ने सारे मुसलमान बना दिते जाण। संगत जी पता किदा किरत घण सी। तखत ते बैठदिआं सारी अपने तीन भरा कतल कीते, दारा सकोच सूसा मुहम्मद ते मरदार बख्त। तिने भरावां नूं कतल करके अपने मां प्यो नूं उहने आगरे की जेल दे विच बंद करके एक हुक्म लाया सी, एक मुठ छोलियां दी दित्ती जावे, एक प्याला पानी दा दित्ता जावे, इहदे तों वध इहनां नूं कुछ दित्ता ना जावे। इहो जिहा अकिरत घण सी। अकिरत घण दा ते भार धरती वी नहीं चलदी। मोदी दे विच ते औरंगजेब दे विच कंपैरिजन करके वेख लिओ कोई फर्क नहीं। साडे अज वीर बजुर्ग मतावां ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਘਾਣ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਧਰਤੀਏ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਗਾੜੀ ਉਪਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਹੰਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਘਰ ਬਾਰ ਦਸੰਦੇ। इस धरती के उत्ते किड़ियां किड़ियां वड्डियां बिल्डिंगां, उन्हां दा भार नहीं लगदा। ना तिस भारे शायरां नद ना वहंदे। इस धरती के उत्ते किड़े किड़े वड्डे दरिया समुंदर नाले वगदे ने, इन्हां दा भार भी नहीं लगदा। ना तिस भारे तरवरां फल सफल फलंदे। इस धरती के उत्ते किड़े किड़े वड्डे दरख्त ने, इन्हां दा भार भी नहीं लगदा। ना तिस भारे जीव जंत अणगिनत फिरंदे। इस धरती के उत्ते किड़ियां किड़ियां वड्डियां देहियां वाले जीव जंतु ने, इन्हां दा भार भी नहीं लगदा। ते पुछिया फिर तैनूं भार किहदा लगदा? कहिंदी भारे भूई अकिरत घण मंदी हो मंदे। औरंगजेब वर्गियां दा भार लगदा जां मोदी वर्गियां दा भार लगदा? किड्डा अकिरत घण सी औरंगजेब। पुत्र हिंदुस्तान दा बादशाह होए ते मां प्यो जेल दे विच बंद होण। 8 साल सजा भुगती उन्हां ने, शाहजहान ते उसदी बेगम ने। शरीर इन्ना कमजोर हो गया घट खराक करन मिलन करके। कहिंदे एक दिन अहलकार ने प्याला पानी दा लिया के शाहजहान दी बेगम नूं दिता, ते कहिंदे कंबदे हत्थां दे विचों पानी दा प्याला डुल गया। कहिंदे जदों पानी दा प्याला डुल गया शाहजहान नूं बड़ा तरस आया, क्योंकि हर बंदा अपनी धर्म पत्नी नूं बड़ा प्यार करदा। उन्हें अहलकार नूं आवाज मारी, अहलकार मेरी बेगम दे कोलों पानी दा प्याला डुल गया, नूं दुबारा लिया के दे दे। अहलकार पता की कहिंदा? मैनूं हुक्म नहीं है शाह जी, मैनूं हुक्म नहीं है, मैनूं पता तैनूं हुक्म नहीं दुबारा प्याला पानी दा लिया के दे। ओह तैनूं तेरी मां दा वास्ता ही। उन्हें मां दा वास्ता पाया। कहिंदे अखां दे विच गलेडू आ गए, पहरेदार दे अखां दे विच गलेडू आ गए मां दा नाम सुन के। हथ जोड़ के कहन लगा शाह जी
जे मैं ताड़ी बेगम नूं पानी दा प्याला लिया के दे दिता ते मेरा दुनिया चो पानी मुक जाना गाड़ी ताड़ी मर्जी। कहिंदे उस वक्त शाहजहां ने अपने पुत्र नूं एक चिट्ठी लिखी सी, खून दे अथरू वहाउंदे एक चिट्ठी लिखदा अपने पुत्र नूं, पता फिर भी की लिखदा, कहिंदा पिछरे मन मेरे पुत्र, बहादुर मन बहादुर पुत्र दी रोज साहिबे लख सवार बदन। मेरिया पुत्रा कदे मैं भी तेरे वांगू लखां ही सवार दा मालक होया करदा सी। मां प्यो दा पुत्र जिन्ना मर्जी निशियाई होवे, जिन्ना मर्जी माड़ा होवे, कदे नहीं मां प्यो कहिंदा कि मेरा पुत्र माड़ा। शाहजहां भी उसे तरह लिख रहा, पिछरे मन मेरे पुत्र, बहादुर मन बहादुर पुत्र दी रोज साहिबे लख सवार बदन, इम रोज मोहताज अक्का साहेब आबू। मेरिया पुत्रा कदे तेरे वांग मैं भी लखां ही सवार दा मालक सी, अज मैं प्याले पानी दा मोहताज हो गया। दर दुनिया मगरूर ना बाए दबूद, मेरिया पुत्रा समझाउण दा जतन करदा, कदे दुनिया दे विच हंकार नहीं करना चाहीदा, पता नहीं कदों राजे ते पखियारी बना दे। तो जाना पढ़ते हैं ना, नदर अपुठी जे करे सुल्ताना का हो कराएंदा, पेखारी ते राज करावे ते राजे ते पेखारी। मोदी नूं बड़ा समझाउण दा जतन कीता पर मनदा नहीं। अगे जाके लिखदा कहिंदा आफरी हिंदुआं हर बाब मुर्दा रात ते हिंद दा याब। कहिंदा मैं हिंदुआं तो बलहार जाना, अपने मोए होए पितरां दा श्राद करदे ने, उन्हां नूं पानी पिलाउंदे ने ते उन्हां नूं जल वी छकाउंदे ने। ते पिसर तू अजीब मुसलमानी, जिंदा जान ब्याब ना रसानी, तू किहो जिहा मुसलमान है, बराए नाल ओ पार चो कतले ओ फरेशानीए दे नाल तू मैनूं कतल कर दे, ओ चंगा। यह चिट्ठी शाहजहां ने अपने पुत्र नूं लिखी औरंगजेब नूं। अगों पता उन्हें की जवाब दिता सी, उन्हें जवाब दिता सी, बापू जिहड़ी शाही दे नाल मैनूं चिट्ठी पाई है शाही चूस के गुजारा कर लैंदा, प्यास बुझा लैंदा, मेरे घर दे विचों तेरे वास्ते सदा लई पानी मुक गया। इहो काम ही मोदी कर रहा है, मोदी नूं बड़ा समझाउण दा जतन किया जा रहा पर मनदा नहीं। गुरु के चरणों के अरदासां करिए, जिस तरह साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब जगदीप सिंह जी साढ़े तो पहला कथा कर रहे सन, पुल पुख्ता वाले हैड ग्रंथी सन, तो बाबा जगतार सिंह जी हुणां दी दस रहे सन कि उन्होंने सेवा लाई है, किड्डी वड्डी सेवा है, एक सेवा ते दूसरियां अरदासां। तुसीं जंग जरूर जितोगे मेरे वीरियो, अरदासां रोज करिया करो। ते उस अकाल पुरख परमात्मा के चरणों के चौपाई साहब के पाठ जरूर करिया करो, जंग जरूर जितांगे। सो मन बिरतियां लैके चलिए श्री आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते। मेरे गुरदेव पातशाह जी कहन लगे, ओ पुत्रा कदे ओ कश्मीर तो चल के पंडित आए सन, अज साडे दरबार के हुशियारपुर की धरती तो देवीदास पंडित चल के आया, ओदी इज्जत नूं बचाउण वास्ते 100 सिंघां दा जथा लैके जाओ। अज दा सूरज डुबण तों पहला पहला उहनां दी धर्म पत्नी उहनां दे घर विच होणी चाहीदी आ। बब्बर शेर दे नेत्रां दे विच खून दे डोरे आए, उसे वक्त बब्बर शेरां वाला बाणा सीस ते दमाला पालिया, मुढ ते तीर कमान इक 3 फुट लंबी भगौती उहने गल दे विच लटका ली है, चिट्टे रंग दा घोड़ा पालिया मोढे ते तीरां वाला पत्थर टेकिया, सतगुरां दे चरणां दे विच मत्था लै के आग्या मार के पलाकी बब्बर शेर होया घोड़े दे उत्ते सवार, लै के देवी दास पंडित नूं नाल हुशियारपुर नूं चले इह पारिया। चोटा मार के
ਆਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੁਲਾਰੇ ਹੋ ਚੋਲੇ ਪੈਣ ਕੇਸਰੀ ਨੀਲੇ ਦਸਤਾਰੇ ਹੋ ਚੋਲੇ ਪੈਣ ਕੇਸਰੀ ਨੀਲੇ ਦਸਤਾਰੇ ਹੋ ਜਾਮਣ ਹਾਰੇ ਘੋੜੇ ਤੱਕੀ ਪੁੱਟਦੇ ਤੇ ਜਾਮਣ ਹਾਰੇ ਹੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਪਾਵਣ ਚਮਕਾਰੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਸ ਨੂੰ ਮਾਣਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੋਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪਰ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਟੋਪੀ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਪਰ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ, ਐਸਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਗੱਜਦਾ, ਚਾੜ ਦਵੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ, ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਤਾਈਂ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਿੱਛਾ ਘਰ ਜਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਵੱਢਦਾ, ਥੜ ਥੜ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਾਲਮ ਸਾਰੇ, ਦਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਕਾਰੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ। ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੂੰਜਾਂ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਗਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ, ਸੋਭ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਾਣ ਚਾੜੀ, ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੋਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਖੁਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਭੱਖਦਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਵੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਚਿਹਰਾ ਲਾਈਟ ਵਾਂਗੂ ਜਗਦਾ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਦਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਰੰਗਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅੜੇ ਉਹ ਝੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਫਿਰੇ ਫਿਰੇ ਲੱਭਦਾ। ਚੌਧਰ ਪ੍ਰਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਘੂਰ ਘੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਨੀ ਠੋਕਰਾਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਪੰਜ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਟਿਓਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਪਵੇ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਜਮਾਵਣੇ ਦੀ ਉਹ ਹੱਸ ਹੱਸ ਛਾਤੀ ਮੂਹਰੇ ਡਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਯੋਧਾ, ਖਾਲੀ ਪਿੱਠ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਖੜ ਖੜ ਤੱਕਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਾਂ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹ ਪੇ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੁਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨੀਲੇ ਦਸਤਾਰੇ, ਇਉਂ ਸੋਹਦੇ ਚੱਕਰ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਖਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਅੱਖੀ ਅੰਗਹਾਰੇ, ਪੇ ਡੋਲੇ ਫੜਕਣ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਹੇ ਮੜੀਆਂ ਬੀਣੀਆਂ ਅੰਗ ਕੱਜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਛਾਤੀ ਤਵੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਕਰ ਚਿੱਤ ਕਰਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੱਥੇ ਪਾਏ ਕਰੁੰਡੀਏ ਕਰ ਤਿੱਖੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਬਰਸੀ ਬਰਸਾ ਲੈ ਤੁਰੇ ਅਣਖੀਲੇ ਭਾਰੇ, ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟਿਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਮੱਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਭਲਵਾਨੀ ਖਾੜੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਜਵਾਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦੋਨੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲ ਨੇੜੇ ਟੁੱਕੇ, ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫੁੰਡ ਦੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁੱਕੇ, ਸ਼ੈਲ ਸਬੀਲੇ ਗੱਭਰੂ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੁੱਕੇ, ਡੰਡ ਲਾਹੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇਗ ਨੇ ਕਰ ਚੂਲੀਆਂ ਥੁੱਕੇ, ਉਹ ਕਈ ਯੋਧੇ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ, ਆ ਲੋਹੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਿਆ ਬੁੱਤ ਭੁੰਨੇ ਢਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਰੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੇ।
बाबा अजीत सिंह ने एक बार खून दियां नदियां बहा के रख दित्तियां। जबार खान नूं पता लगा मेरियां फौजां मर गईयां, अपनियां मरदियां होईयां फौजां वेख के तैयारी कीती। कहिंदे जाबर खान नूं गुस्सा चढ़िया, दो धारा खंडा उन्हें हाथ में फड़िया, सिर तो पैरां तीकरां लोहे विच मड़िया, मार के नारा अलीदा घोड़े ते चढ़िया, करके फौजां कठियां। उन्हें आर्डर करिया, वो कहिंदा दुश्मन असां दे अवेड़े वड़िया, मर जो जाज मार दो ना जावे जरिया। कहिंदे चौधरपुरिया खान ने अहला करिया, जबार खान होर फौजां लैके आ गया जंग दे मैदान दे विच। जो जंग के मैदान सत्तर विशे वेखे ना अपन फौजां दे ते पेट उठिया। शीतल जी लिखते ने जो वेखे खूनी कारे, जबार खान उस तो वेख ना गए सहारे साथी तड़फ दे। वह सामने आके ललकारे बाबा जीत सिंह नूं, कहिंदा तू लखां ही कहर गुजारे मेरे वेंदिया, मैं बदले लैना सारे ही पुत तैनू मार के। कहिंदे ये गल सुन के बाबा अजीत सिंह रोब भरिया तेग सवार दा, और जिवें लाली चढ़ते सूरज दी तिवें भखदा रंग सरदार दा, उहदे डौले फड़कन जोश विच जिवें आकी नाग हंकार दा, उह गज्जिया वांगू शेर दे दुश्मन नूं ललकारदा। उह कहिंदा उह खाना सुन गल कन खोल के, तू पुतला है हंकार दा, तू उम्मत हजरत अली दी, मैं पुत दसवें अवतार दा, अज तेग नबेड़ा करूगी कौन जितदा ते कौन हारदा। इन्नी गल सुनदिया सत श्री अकाल, कहिंदे इन्नी गल सुनदिया ही जबार खान नूं गुस्सा चढ़िया, उन्हें शर करके तलवार नूं बेमियान कर लिया। उधर बाबा अजीत सिंह ने तलवार नूं बेमियान कीता, शर करके तलवार खिंची है। बाबा अजीत सिंह जी घोड़े दियां वागां दे उत्ते घोड़े दियां रकाबां दे उत्ते खड़े हो गए, म्यान दे विचों तलवार खिंच के दमाले दे विच उत्तों दी दो वारी घुमा के अपने खालसे नूं मंगार पाई। कहिंदे खालसा जी ओ खड़ा जबार खान अज बचना नहीं जे चाहिदा। उस वक्त बचियां नगारियां दे धौंसे दे चोटां, अंदर लाई बाबा अजीत सिंह ने घोड़े नूं अड्डी वाजी तगड़ 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 घोड़े नूं अगे भज्जे। जदों आईयां जबार खान दीआं फौजां मारदे थल्ले, बाबर शेर ने छड्ड के जकारा मार के ललकारा करी हला है इहो बोलिया। Thank you.
ਸਾਧਨ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਪੁਕਾਰੇ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਬਾਰ ਖਾਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਜਵਾਹਰ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਜੈ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦਲਾਰੇ ਉਹ ਕਰਨ ਮਖੌਲਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਰ ਚਿੱਤ ਕਰਾਰੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਅਖਮਾਮ ਦੇ ਅਨਖੀਲੇ ਭਾਰੇ ਜਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕਾੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਗੱਭਰੂ ਸੱਤ ਫੁੱਟੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਭਖਦੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਗੱਜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੁਹਾੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਜੇ ਭਾਜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਣ ਚਬਾਰੇ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ ਤਹਾਰ ਕੇ ਅਜਾਣ ਅਖਾੜੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾੜੇ ਦਿਲੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਦੇ ਮਾਰਨ ਲਲਕਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਰ
के कर देन तुफारे वो चौधर प्रिया सिंगा तो जाइए बलहारे। एक बने बाबा अजीत सिंह लड़दा है, एक बने जबार खान ने तलवार नू बेमियान किया, एक बने बाबा अजीत सिंह ने। लो प्यारे हुण तलवार चलन लगी है। पिछले साल भी आप जी दे नाले तलवार चलदी विखाई सी, आ फिर सरवण कर लेने हैं। एक बने बाबा अजीत सिंह ने तलवार खिंची, उस वक्त का सीन कवि ने खिंचया। कहिंदे खिंच जिद्दां तेग सिंह सूरियां म्यान विच जालमां ते लाई जांदी ढेर, वेखो वड 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 सुणदी वड्डे वड्डे सूरियां नूं लगदी आवाज कहिंदे आवे कहिंदे घट घट कट कट करदी रगन धरती ते बिजली कम करदी आ, झट 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 करदी ते अगे नूं वधदी आ। वैरी तई आखदी ओ चल पिछे हट हट, ढाई जा वड्डे वड्डे सूरियां नूं लगदी आवाज कहिंदे आवे कहिंदे घट 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 खून दे बगाए उथे वैड़े हथ कोमल लड़न सूरे जंग विच ਦੱਤ ਦੱਤ ਧੜ 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 ਕੋੜੇ ਪੱਛਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਧੜ 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 ਤੇਗਾ ਚੱਲੀਆਂ ਚੜਕ ਚੜਕ ਕਾਹੇ ਦਾ ਲਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਟ ਕੱਟ ਕਲੋਥਾਂ ਟਹਲਾ ਉੱਤੇ ਫੱਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਕ ਫੜਕ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਾਣ ਉੱਡ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਕ 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 ਤੇ ਕਟਹਲਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਗਾ ਤੇ ਫੜਕਣ ਜਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਆਂ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਗੜਕਣ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਪੇ ਭਾਂਬੜ ਫੜਕਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਫੜਕਣ ਥੋੜੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਧੜਕਣ ਕਈ ਮੌਤ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਪੁੰਝੇ ਤਰਫਣ ਜੰਗ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਵਰਤਣ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੇ ਖੰਡ ਫੜਕਣ ਖੜ 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 ਖੰਡਾ ਫੜਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਨੋ ਜਬਾਰ ਖਾਨ ਦਾ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਬਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਿੰਨੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਬਾਰ ਖਾਨ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦੁਫਾੜ ਕਰਕੇ ਜਬਾਰ ਖਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਦੋ ਦੁਫਾੜ ਜਦੋਂ ਜਬਾਰ ਖਾਨ ਮਰਿਆ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਢੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਬਚ ਜੋ ਬਚਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, ਮੈਦਾਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 95 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀਆਂ, ਜਬਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਂ।
शिकारे पौंदियां हाथी फड़ियां गज के छड़ियां ने वागा तेरियां घोड़े भज ले बाबा अजीत सिंह नूं हुशियारपुर दी धरती दे उत्ते 100 सिंघां दा जथा दे के भेजिया सी अज दा सूरज डुब्बण तों पहलां पहलां इहनां दी धर्म पत्नी इहनां दे घर च होणी चाहीदी बाबा अजीत सिंह ने उपरन नूं पूरा कीता नगारियां ते ला के चोटां हुशियारपुर दी धरती तों चाले पा दित्ते पहुंच के श्री आनंदपुर साहिब दी पावन पवित्र धरती ते गुरदेव पातशाह जी तख्त श्री केसगढ़ उच्चे थां ते खड़ के बाबा अजीत सिंह वल तक रहे ने बाबा अजीत सिंह जी 100 सिंघां समेत वापस आ रहे ने ते जकारे छड़ रहे ने बाबा अजीत सिंह ने जदों टेकिया ना सतगुरां दे चरणां दे विच मत्था घुट के गलवकड़ी दे विच पा के मुखड़ा चुम के एक बचन कर दिता ओ पुत्रा आवेगा समा जिस दिन जंग दे मैदान दे विच शहीद होवेगा ना उस दिन भी बापू नूं खुशी होवेगी अज भी जंग जित्तिया अज भी खुशी होई है अटल सच्चाई है जिस दिन बाबा अजीत सिंह जी चमकौर की गली दे विच शहीद होए तो उस दिन भी बापू ने जकारे छड़े बड़े बड़े महारथी होए ने संसार दे विच जदों पुत्र मरदे वेखे ताहा मार मार के रोए ने मेघनाथ की मौत ते राम रोया
पुत्र रावण का मेघनाथ रो पिया। मेघनाथ की मौत से राम रोया, बाण मोह ते सुटिया चीर सी दिल, जदों मरिया अभिमन्यु पांडवां दा, हो गया फिर डाढा दलगीर सी दिल, लगा तीर जद सरवण दे विच सीने, होया मापियां दा लीरो लीर सी दिल, किंदे दिसणो हट गए जदों राजे दशरथ नूं पुत दोनों, हुणी राजे दशरथ दा चीर गई सी दिल, किंदे धन दौलतां सुख आराम छड्डे नहीं रोया वो गहर गंभीर सी दिल, लोक दर्द वंडा के दर्दियां दा दर्द मंडा के हसया सी, लोकी पुत ब्याह के हसदे ने, माही पुत शहीद करवा के हसया सी, माही पुत शहीद करवा के हसया सी। ए सी बाबा अजीत सिंह दी पहली जंग। सो इन्नी सेवा प्रवान करियो, मैं इस तो अगे कुछ भी नहीं कहना। क्यों? क्योंकि साडे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब जी जबर तौर सिंह जी सचखंड श्री हरिमंदर साहब के हजूरी रागी पहुंच चुके ने। मैं उन्होंने जिया कहना कि स्टेज पर आन अपना समा लैन। बहुत बहुत धन्यवाद है इतों के भाई साहब जी सचैन सिंह जी होनी प्रधान साहब होना का, जिन्होंने पिछले साल भी रब वर्गिया संगत के दर्शन कराए सन, तो पिछले साल ही हुक्म कर दिता सी ऐरकां दे साल रब वर्गिया संगत के दर्शन करने वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब जी जसविंदर सिंह जी होना का, जो आप भी कथा वाचन इस इलाके दे विच सेवा निभा रहे ने, बड़ी वड्डी सेवा। बाबा जी जगतार सिंह जी पुल पुख्ता दे हैड ग्रंथी भाई साहब जी जगदीप सिंह जी, जिहड़े मेरे तो पहला आप जी दे रब वर्गियां संगतां दे दर्शन करके गए ने, वो आप जी नूं दस ही गए ने कि जिहड़ा किसानी संघर्ष चल रहा है उहदे विच किड्डा वड्डा योगदान पाया महापुरशां ने, सारी संगत ने पाउणा। दास वल्लों वी नौजवानां दे उत्साह वास्ते एक ढाडी कला दे विच गीत रिकॉर्डिंग कराया गया, जे सरकारे मन्नी ना तूं ईन किसानां दी, कन्न खोल के सुन लै नहीं तूं गल जवानां दी। यूट्यूब दे उत्ते ढाडी सरक्षण सिंह जी लिओ लिखियो ते इस गीत नूं तुसीं सुन सकदे जे, ते गाड़ी शेयर भी कर सकदे जे। गुरु कृपा करे बेअंत संगतां वल्लों माण वी आया। मैं सतगुरां दे चरणां दे विच अरदास बेनती करां पातशाह, जिस भी मनोकामनावां भावनावां करके मेरियां बच्चियां ने, मेरियां मातावां ने, मेरियां भैणां ने, मेरे वीरां ने इतिहास नूं माण कीता सच्चे पातशाह जी, हर इक दीआं मन दीआं भावनावां पूरीआं करिओ, चढ़दी कला च रखियो। दास ना साथ दे रहे ने दास दे साथी गुरु सेवक सिंह जी सागर, गुरकीत सिंह जी सरंगी वादक, करणदीप सिंह जी दास ढाडी सलखन सिंह जी पिंड चौधरपुर वाले, इन्नी सेवा प्रवान करियो। आओ सतगुरां दे चरणां दे विच फतेह बुलाइए। साउंड वाले वीर का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत ही वधिया साउंड है, लोड़ नहीं पैंदी कि सैटिंग करो, आप ही वीर जी की बहुत वधिया सैटिंग कर देंदे ने, सतगुरु जी कृपा करो, इन्हां नूं भी चढ़दी कला च रखना। आओ फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।